मिस्र के पिरामिड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको मिस्र की कुछ ऐसी ममीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हैं। दरअसल खोजकर्ताओं को इजिप्ट में कुछ ऐसी अनोखी और रहस्यमयी ममी मिली हैं जिन्हें देखने के बाद हर किसी का सिर चकरा गया। जब इन्हें पहली बार देखा गया तो यकीन करना मुश्किल था। क्या आप जानना चाहेंगे मिस्र की उन ममीज के बारे में? तो चलिए शुरू करते हैं। लेडी राय। 1881 की बात है जब कुछ खोजकर्ताओं को थिबेन टॉम से एक ऐसी ममी मिली जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। बताते हैं कि इस ममी का नाम लेडी राय था, जो 18वीं राजवंश की एक प्राचीन मिस्र की महिला थी। एक अनुमान के मुताबिक जब इस महिला की मौत हुई थी उस वक्त उसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच रही होगी। शोध से पता चला कि लेडी राय की मृत्यु लगभग 1530 ईसा पूर्व हुई थी। ये एक ऐसी महिला थी जिसने रानी एहमसोस नेफ्रतारी की नर्स के रूप में सेवा की थी। लेकिन दोस्तों, इस ममी की सबसे अनोखी और हैरान करने वाली बात इसके बाल थे, क्योंकि इतना समय बीतने के बाद भी लेडी राय के बाल एकदम सुरक्षित थे। आपको सुनकर अचंभा होगा कि इसके बालों का कुछ हिस्सा तो ऐसा था जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि इसकी ग्रोथ कुछ महीने पहले ही हुई हो। कुछ लोगों का कहना है कि लेडी राय की मम्मी को तैयार करते वक्त जो बालों का स्टाइल था वो अभी भी ठीक वैसा ही है। आपको बता दें कि लेडी राय की मम्मी को 1909 में ग्रिफ्टन एलियट स्मिथ ने अनरैप किया था। स्मिथ का कहना था कि लेडी राय काफी दुबली महिला थी। इसकी हाइट 1.51 मीटर यानी 4 फीट 11 इंच के करीब थी और इस ममी के हाथ किसी छोटे बच्चे की तरह थे। तूतन खामुन। दोस्तों, तूतन खामुन की ममी इतनी रहस्यमयी है कि इसने दुनिया भर के खोजकर्ताओं के होश उड़ा दिए थे। इतिहासकारों के अनुसार ये प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। तूतन खामुन को आमतौर पर किंग टूट के रूप में भी जाना जाता है। ये प्राचीन मिस्र का फराओ था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फराओ एक ऐसी उपाधि थी जो कि धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को ही दी जाती थी। इनकी लाश को ताबूत में बंद करके पिरामिड में दफना दिया जाता था। बताते हैं कि जिस स्थान पर तूतन खामुन की ममी खोजी गई थी वो जगह करीब 20 फुट नीचे थी। तूतन खामुन की ममी की खोज 1922 में किक्स वैली ने की थी और ये करीब 3200 साल पुरानी बताई जाती है। तूतन खामुन प्राचीन मिस्र का ऐसा शासक था जो छोटी सी उम्र में राजा बन गया था। तूतन खामुन ने महज 9 साल की उम्र में राजगद्दी संभाल ली थी, लेकिन 19 साल की आयु में उसका देहांत हो गया था। आपको बता दें कि जिस पिरामिड में तूतन खामुन की ममी मिली है वहां बेशकीमती खजाना गड़ा हुआ है। मिस्र इतिहास के मुताबिक जब वहां किसी राजा की मौत हो जाती है तो उसे ममी बनाकर दफनाने का रिवाज था। ममी के साथ साथ जरूरत की सारी चीजों के अलावा बेशकीमती हीरे जवाहरात गहने आदि सभी वस्तुएं भी रख दी जाती थी। वहां के लोगों का ऐसा मानना था कि मृतक को इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तूतन खामुन की कब्र में ममी के नीचे सीढ़ियां बनी हुई थी। उन सीढ़ियों के नीचे जाने पर एक कमरा था जहां सोने चांदी के अलावा अन्य बेशकीमती रत्न भरे पड़े थे। यही कारण है कि जब तूतन खामुन की ममी मिली तब खोजकर्ताओं की आंखें खुली की खुली रह गईं। हर कोई सोच में डूब गया। दोस्तों, तूतन खामुन की ममी को हैरत भरी नजरों से इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि ये काफी मिस्टीरियस है। बताते हैं कि जिसने भी तूतन खामुन की ममी के ताबूत को खोलने और खजाना निकालने की कोशिश की उसकी मौत निश्चित थी। बता दें कि पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और उनके सहयोगी लॉर्ड कार्नवन ने तूतन खामुन की ममी का मकबरा खोजा था। जानकारी के अनुसार लॉर्ड कार्नवन को एक मच्छर ने काट लिया था जिससे वो इतनी बुरी तरह बीमार पड़ गए कि कुछ ही दिन के बाद उनकी मौत हो गई। ताज्जुब की बात यह है कि इसके बाद टीम के अन्य सदस्यों की भी धीरे धीरे मौत हो गई। राजा के शरीर पर कथित तौर पर एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्किबाल्ड डगलस रेड भी बिना किसी वजह के मारे गए। फिर एक शोधकर्ता आर्सेनिक पॉइजनिंग से मारे गए। टीम में से एक प्रिंस अली कैमल फहमी भी थे जिन्हें उसी साल उनकी पत्नी ने गोली मार दी। यहां तक कि विजिट करने वालों में से एक सूडान के गवर्नर जनरल सर ली स्टैक को 1924 में उनके विरोधियों ने मार दिया। इस लिहाज से ये माना जाने लगा कि राजा तूतन खामुन का ताबूत शापित है और उसे छूने या किसी भी तरह की छेड़खानी करने पर मौत पक्की है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि राजा के श्राप के चलते सभी की मौत हो गई।
आपको बता दें कि ममी के शापित होने पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक बुक का नाम है लॉस्ट इन अ पिरामिड और द ममीज कर्स। फ्रेंड्स, ये किताब काफी चर्चित रही है। क्रोकोडाइल ममी। प्राचीन मिस्र के शहर उम अल बरजत में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, जहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सभी भौचक्के रह गए। दरअसल खोजकर्ताओं को इंसानों की नहीं बल्कि मगरमच्छ की मम्मी मिली, वो भी एक नहीं 100 से भी अधिक मगरमच्छ की मम्मी। जी हाँ, ये सच है दोस्तों। जब खोजकर्ताओं ने इन सभी मम्मीज को देखा तो वो इस सोच में डूब गए कि आखिर इंसानों की जगह इन मगरमच्छ की मम्मीज को संरक्षित करके क्यों रखा गया था, ऐसा करने की वजह क्या थी। फिर जब इन ममीज के बारे में जानने के लिए रिसर्च की गई तो वैज्ञानिक और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि हजारों साल पुराने मगरमच्छ की इन ममीज पर मिस्टीरियस तरीके से कुछ लिखा हुआ था। हर कोई अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा कि प्राचीन मिस्र के लोगों का इन मगरमच्छ से क्या लिंक हो सकता है। अब वैज्ञानिक मगरमच्छ की मम्मी की बजाय इन पर लिखी अजीबोगरीब लिखावट को लेकर शोध में जुट गए। काफी खोज करने पर पता चला कि प्राचीन समय में मिस्र के लोग मगरमच्छ को अपना गॉड मानते थे। बताते हैं कि इन लोगों के लिए मगरमच्छ ताकत यानी पावर का प्रतीक होता था। इसके सबूत के तौर पर हम प्राचीन मिस्र के कुछ स्टैचूज को देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन पुतलों का मुंह काफी हद तक मगरमच्छ की तरह ही है, जबकि बाकी हिस्सा इंसानों की तरह। टैटू ममी। आज के युवाओं में शरीर पर टैटू गुदवाने का काफी क्रेज है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि टैटू का चलन आज से करीब हजारों साल पहले भी हुआ करता था तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है। बता दें कि मिस्र के दीर अल मदीना में खोज के वक्त आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी अनोखी मम्मी मिली जिसके शरीर पर टैटू देखे गए। बता दें कि खोजकर्ताओं को 7 टैटू वाली मम्मीज भी मिली हैं, जो महिलाओं की हैं। शोधकर्ता उस वक्त हैरान रह गए जब इनमें से एक मम्मी के शरीर पर 30 से अधिक टैटू पाए गए। रिसर्चर्स का कहना है कि उन्होंने इससे पहले कभी भी किसी भी मम्मी पर टैटू नहीं देखे हैं। बताया जाता है कि ये महिलाएं मिस्र की शिल्पकार थीं, जिन्हें अपने शासकों की तरह मृत्यु के बाद मम्मी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि प्राचीन मिस्र में टैटू काफी प्रचलन में थे। एक रिपोर्ट की माने तो ये कला कम से कम 2000 ईसा पूर्व से चलन में है। रमेसेस II। रमेसेस द्वितीय मिस्र के 19वीं राजवंश का तीसरा फराओ था। इसकी महानता और प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे रमेसेस द ग्रेट के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि रमेसेस II कम उम्र यानी कि महज 14 साल की उम्र में राजा बन गया था। इसे मिस्र का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। यह अपनी युद्ध नीति में इतना माहिर था कि इसने कई सफल सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। बताते हैं कि रामेसेस द्वितीय ने लगभग 60 साल तक शासन किया। 1213 ईसा पूर्व में रामेसेस का देहांत हुआ था और उस वक्त इसकी उम्र लगभग 90 साल थी। बता दें कि 1881 में किंग्स की घाटी में रामेसेस II की मम्मी खोजी गई थी, जिसे काफी सीक्रेट तरीके से छुपाया गया था। बताते हैं कि जहां रमेसेस द्वितीय की मम्मी मिली थी, उस जगह पर केवल मिस्र के राजा, रानी और कुलीन वर्ग को ही दफन किया जाता था। जिस स्थान से इस मम्मी की खोज हुई थी, वहां रमेसेस के अलावा 50 से अधिक शासक और महान लोगों को भी रखा गया था। ये भी कहा जाता है कि इसके 100 से अधिक बच्चे थे। खोजकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह रमेसेस II अपने शासन के वक्त एक शक्तिशाली पावरफुल राजा हुआ करता था, ठीक वैसे ही इसकी मम्मी भी थी। देखने पर वो भी काफी मजबूत लग रही थी। इसी कारण रमेसेस की मम्मी पर काफी शोध किए गए। 1974 में एक्सपर्ट्स ने महसूस किया कि धीरे धीरे इसकी मम्मी खराब हो रही है, तब फौरन इसे पेरिस ले जाने का निर्णय लिया गया। दरअसल पेरिस में इसका फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट किया जाना था, ताकि इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाई जा सके। लेकिन तब एक बड़ी मुसीबत आ गई और वो था इसका पासपोर्ट। दोस्तों, कानून के हिसाब से किसी भी जिंदा या मुर्दा इंसान को एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट कंपलसरी होता है। वहीं रामेसेस II को मरे हुए तो कई साल बीत गए थे, तब मिस्र की सरकार ने रामेसेस का एक पासपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। पासपोर्ट में रमेसेस के ऑक्यूपेशन को एक राजा मृतक के रूप में दर्शाया गया था। बता दें कि ये पहला ऐसा पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान की बॉडी के लिए जारी किया गया था। जानकर हैरानी होगी कि पेरिस एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए रमेसेस II की बॉडी को मिलिट्री ओनर से खूब नवाजा गया था। इसके बाद ही मम्मी को लेबोरेटरी में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया।
दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मम्मी की स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? अगर आप इजिप्शियन मम्मीज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।